नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। हिमाचल को अगले 2 दिन के अंदर नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। सूत्र बताते हैं कि बेशक सीएम चेहरे तय करने के लिए ऑब्जर्वर्स से रिपोर्ट मांगी गई हो, मगर सीएम कौन होगा इसका फैसला हिमाचल की राजनीति को करीब से देख चुकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका करेंगी। उन्होंने सभी दावेदारों का बायोडेटा पहले ही मांग रखा था, अब सिर्फ फैसले का इंतजार है। वहीं शिमला में देर रात तल चली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। इसमें प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, मगर सहमति नहीं बनी। इसके बाद सभी विधायकों ने सिंगल लाइन प्रस्ताव पास किया। इसमें पार्टी हाईकमान को सीएम चुनने और सभी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया। इससे पहले इलेक्शन ऑब्जर्वर एवं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। इसके बाद पार्टी दिल्ली से सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। बताया जा रहा है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री चेहरा तय करते वक्त क्षेत्रीय व जातीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कांग्रेस मुख्यमंत्री चुनेगी। कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं, मगर इन तीनों के नामों पर सहमति बनने की शुरू से ही उम्मीद नहीं थी। इन तीनों पर विचार विमर्श करने के बाद प्रदेश का मुख्यमंत्री चेहरा सभी को हैरान करने वाला हो सकता है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।